इस वक्त की बड़ी खबर, चीन कभी भी कर सकता है परमाणु बम का परीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी चीन की नई न्यूक्लियर साइट्स, विजुअल्स और स्टिल्स के साथ तस्वीरों में टूटी चट्टान और टनल साफ दिखाई दे रहे हैं। चीन के शिनजियांग में बनाई न्यूक्लियर टेरर साइट, ये तस्वीरें देखें। दूसरा स्टिल दिखाएं जो सैटेलाइट इमेजेस है, ये लोकेशन को लेकर है खाली। न्यूक्लियर साइट तक बिजली और सड़क कनेक्टिविटी, ये देखें तस्वीरें, फुल फ्रेम पे विजुअल दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन कभी भी कर सकता है परमाणु बम का परीक्षण, ये लोकेशन है जगह की। नेक्स्ट दिखाइए, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी चीन के न्यूक्लियर साइट, तस्वीरों में टूटी चट्टान और टनल साफ दिखाई दे रही है। चीन के शिनजियांग में बनाई न्यूक्लियर टेस्ट साइट, न्यूक्लियर साइट तक बिजली और सड़क कनेक्टिविटी, सीधे आइए बिग वॉल पर। यह जो हमारे पास जानकारी आ रही है, चाइना ने ऐसा किया है, वो भी तब जब एनपीटी को लेकर आज यूएन में बैठक होने वाली है। ध्यान से देखें आप, ये देखें, ये जो हमारी टीम ने तैयार किया, ये देखें पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रहा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर, अभी डाउनलोड करें। यहां पर एक छठी टनल दिखाई दे रही है और वहां पर देखें सपोर्ट एंड सप्लाई सेंटर, ये आपके सामने विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें किस तरीके से ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर वन। यहां पर थोड़ा सा और जूम इन कर लें, ये आप देखें छठी टनल दिखाई दे रही है और यहां पर ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई सेंटर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब साफ है कि चाइना कुछ बड़ा करने वाला है। आ गई नई तस्वीर सैटेलाइट तस्वीरों से, शिनजियांग में चीन की नई न्यूक्लियर टेस्ट साइट का खुलासा हुआ है, नंबर वन। नेक्स्ट चेंज करें इसको, बड़ी खबर हमारे पास जो है यह है, तस्वीरों के आधार पर कई एक्सपर्ट ने दावा किया है कि चीन अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। तस्वीरों में चीन ने पहाड़ों पर टूटी चट्टानों और खुदाई के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में एक छठी टनल भी साफ दिख रही है, माना जा रहा है कि चीन ने परमाणु बम के टेस्ट के लिए खुदाई की है। यहां पावर ट्रांसमिशन केबल्स भी हैं, माना जा रहा है इसके जरिए चीन यहां खतरनाक एक्सप्लोजिव स्टोर कर रहा है। बिजली और सड़क की कनेक्टिविटी होने की वजह से चीन यहां कभी भी परमाणु बम का टेस्ट कर सकता है। मैं सीधे चलूंगा यह बड़ी खबर के साथ, अपने सभी मेहमानों और सहयोगियों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मेरे साथ हैं जनरल सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू। मेरे साथ हैं ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन सर, थैंक यू वेरी मच सर, और मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर, थैंक यू सो मच सर, और मेरे साथ आशीष जुड़ चुके हैं, ऑल ड्रेस्ड इन अ वेरी पावरफुल टाई, रेड कलर। एनीवे, सबसे पहले मैं सीधे चलूंगा जनरल सिन्हा के पास। सर, ये चाइना जो कर रहा है, ये भारत के लिए कितना खतरनाक है और क्या ये वाकई में टेस्ट कर सकता है? देखिए, तो टेस्ट करेगा, मेरा ये मानना है कि कुछ दिन में आप धमाके सुनेंगे। ये एक जो लूप नूर है, ये एक यू नो ड्राइड सॉल्ट लेक है जो शिनजियांग में युगर ऑटोनॉमस रीजन में उसके साउथ ईस्ट में पड़ता है, तकरीबन 450 किलोमीटर। और इसके जो टनल है, ये खबरें करीब 1.5 साल से आई थी कि उसके टनल का निर्माण कर रहा था, यहाँ सैलोज उसने बना चुका है। और मेरे ख्याल से जो सीक्रेट जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसकी फैसिलिटी का उसने पूरा का पूरा कर लिया। देखिए, चाइना बहुत पीछे है अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में, तो वो तो भारत से मुकाबला कर लेगा, मगर अभी उसे विश्व के अंदर में एक शक्ति के रूप में है तो बहुत पीछे। DF-17 हाइपरसोनिक, जो हाइपरसोनिक की बात होती है उसमें बहुत बड़ा शक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो 3 साइलोज बनाए थे आज से तकरीबन 6 महीने पहले, जो कि एक शिनजियांग में है, एक सेंट्रल रीजन में है और एक उनके ईस्टर्न साइड में है, प्रॉब्ली वो ध्यान में रख रहा है पैसिफिक एरिया। सर, मैं आपको थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे शो के प्रोड्यूसर है पुरुषोत्तम कुमार, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि शिनजियांग का दौरा करने गए थे शी जिनपिंग, इससे उसका कोई कनेक्शन है? देखिए, ये सब चीजें शामिल है। शिनजियांग के दौरे के अंदर में काराकोरम का है, उनका जो सीपैक का इलाका है उसके साथ भारत का है, और ये भी शामिल है। शिनजियांग जो है वो बहुत तेजी से वो डेवलप, क्योंकि शिनजियांग से आप देखिएगा, शिनजियांग की लोकेशन को देखें, वो उनके वेस्टर्न साइड में पड़ता है। सर, आपने जो पॉइंट बताया है ये मेरे लिए अलार्मिंग है, लेकिन अब मैं जो अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, चीन की अभी न्यूक्लियर ताकत, ये आप शायद बहुत डिटेल में ORF के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें, इसमें प्लीज सोर्स दीजिए, ORF के हवाले से इंफॉर्मेशन है। US एक्सपर्ट्स को मिले डेटा के मुताबिक चीन के पास करीब 350 न्यूक्लियर हेड हैं। जूम इन करें और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा तेजी से।
चीन के 280 न्यूक्लियर हथियार जमीन से और 72 एटम बम बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च हो सकते हैं। डिटेलिंग देखिए आप, चीन के पास करीब 20 न्यूक्लियर ग्रेविट बम है जो चाइनीज बॉम्बर से लॉन्च किए जा सकते हैं। चीन के पास ज्यादातर मीडियम या इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनसे 60 न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च हो सकते हैं। चीन की नेवी के पास टाइप 094 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो 12 से 16 न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। चीन का H6 बॉम्बर एटम बम लॉन्च कर सकता है और H20 बॉम्बर भी जल्द फ्लीट में शामिल होने वाला है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।